ओम शांति। आज 11 मई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुरली में बाबा ने वह स्मृति और निश्चय की बातें बताई कि जिसके आधार पर स्थाई खुशी हमें रह सकती है। बाबा कहे स्थाई खुशी उन्हें रहेगी जिन्हें ये निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। बाबा हमें सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा हमें मां बन करके अपने ईश्वरीय गोद में समाये हुए हैं। ऐसे बाबा ने विशेष बातें स्मृति दिलाई है और जब यह स्मृति और निश्चय पक्का हो तो बाबा कहे सदा स्थाई खुशी रह सकती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है तो अपार खुशी में रहो। प्रश्न है आज की मुरली से, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर है जिन्हें निश्चय है कि पहली बात बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए। ये निश्चय जिनको होगा उनको खुशी रहेगी। दूसरा, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरा, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी है। हम आत्मा शरीर सहित इस समय बाप की बनी है। चौथी बात, बाबा हमें भक्ति का फल सदगति देने आए हैं। पांचवी बात, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया। और छठी बात, भगवान ने हमें मां बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, जो इस स्मृति व निश्चय में रहते उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा है। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सन्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है, सबकी सदगति करते। सर्व के सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, यही स्मृति माया घड़ी घड़ी भुला देती है अर्थात विस्मृत कर देती है। परंतु यह तो समझते हैं ना, हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा व विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप के तरफ चली जाती है। यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। ये खुशी किन्हों को चढ़ती है? बाबा कहे ये खुशी किन्हों को चढ़ती है? आत्माओं का लव तो है बाप के साथ, लेकिन फिर भी किन्हों को ये खुशी चढ़ती है? जो बहुत काल से अलग हुए हैं। बाबा खुद भी कहते हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते,
84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ न सके। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बनाया है। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। अभी तो तुम जानते हो हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। खुद कहते हैं मुझे इन ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। स्थूल वतन में आकर कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडॉप्ट करता। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती है। शरीर बिगर तो गोद हो न सके। आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूं। ये शरीर उसने लोन लिया है। ये जीव यानी ये शरीर उनका नहीं है, यानी शिव बाबा का नहीं है। परमात्मा ने इसमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना, ये बाबा भी कहते हैं मैं भी इसमें हूं। कभी बच्चा बन जाता हूं, कभी माँ भी बन जाता हूँ। जादूगर है ना शिव बाबा, कभी बच्चा बन जाता कभी माँ भी बन जाता है, जादूगर है ना। कई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है। कृष्ण भी बन जाते हैं, जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहां तो सारी ज्ञान की बात है। पहले ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूं। और बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता, ऐसी नॉलेज कोई दे न सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है। बल बहुतों को शिव के लिंग का, अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसे जिसकी भावना होती है तो वह मैं पूरी करता, परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं। जैसे जिसकी भावना होती है बाबा पूरी करते हैं, लेकिन वो भावना पूरी होने से वो बाबा से मिले ऐसा नहीं है। मेरे को तो पहचानते ही नहीं है। अभी तो तुम समझते हो बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। हमारी आत्मा में यह नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है। यह किसको मालूम नहीं है कि हम आत्मा परमधाम में रहने वाली है। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वह इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं है, न यहाँ न सतयुग में होंगी। वहां तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से वर्षा लेंगे। तो ये खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। कहते भी है तुम मात पिता, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। गाते तो है तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन बाबा के इसका अर्थ भी नहीं समझते। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? माता तो जरूर चाहिए। इस माता की कोई माता हो न सके, ब्रह्मा माँ की कोई माता हो न सके। यह राज बड़ा समझने का है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए।
इस समय तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ हैं, फिर मुरझाइश आदि क्यों आनी चाहिए? परंतु ये परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी, जबकि जरा भी मुरझाइश न आए। गाया भी हुआ है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, ये अंत में होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। बाबा का ऐसे कोई वादा नहीं कर सकता है, या ऐसा कोई अपना रिजल्ट नहीं बता सकता कि हम 75% अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। इस समय पापों का बोझा बहुत है, इसीलिए लगातार कोई अति इंद्रिय सुख में रह नहीं सकते। गुरु कृपा से व गंगा स्नान से पाप नहीं कट सकते हैं। बाप अंत में ही आकर नॉलेज देते हैं, दिखाते हैं कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। बेहोश माना जैसे आत्मा अपने शुद्ध बुद्ध खो देती है, तो उसको बाबा की याद दिलाई जाती है। माँ में कम ये बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए, ऐसे नहीं कोई याद कराए। शरीर छोड़ने के समय आप ही याद आए, बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है। वे लोग तो मंत्र देते हैं, वह तो कॉमन बात है, उस समय बहुत मारामारी आदि होती है। तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो, उस समय पूरी याद चाहिए, लव चाहिए, तब ही नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप, कल्प पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे, फूलों जैसे बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली चीज कोई वहां होती नहीं, नामी है स्वर्ग, परंतु वहां कौन निवास करते हैं ये भारतवासी जानते ही नहीं। शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिख दी है कि वहां भी हिरण्यकश्यप आदि थे। ये सब है भक्ति की सामग्री। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है, पीछे धीरे धीरे तमो प्रधान होती जाती है। बाप कहते हैं मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूं, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। सतयुग है आसमान, तो बाबा आकर हमें आसमान पर चढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं, सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे गिरते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़ी बनी। तुमको तो बाबा कहते हैं जिन बनो, तुमको काम देता हूं सिर्फ अलफ बे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है, जिन खा गया, बाबा भी कहते हैं तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने आया, बल वापस जाने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु कोई जा नहीं सकते। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन आना ही है। तुम जानते हो
सतयुग में हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग्य देते हैं। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होंगे, विनाश हो जाएगा, तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। खुने नाहक खेल है ना, क्या गुनाह किया है जो मारने लिए बॉम्बजादी बनाए हैं? मरेंगे तो सही, वह भी समझते हैं हमको कोई प्रेर रहे हैं, जो नहीं चाहते भी हम ये बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। साइंटिस्ट लोग ये जरूर मानते हैं कि हमको कोई प्रेर रहा है। चाहते नहीं हम बॉम्ब्स बनाने के लिए, लेकिन बन जाते हैं। खर्चा तो बहुत होता है, ड्रामा में नून है, इनसे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीच एक धर्म राज्य कर न सके, अनेक धर्मों के बीच में एक धर्म राज्य कर न सके। अब अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होनी है। तुम जानते हो, हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सिखाने के लिए। समझते हैं मरना और मारना है, यहाँ तो वह बात नहीं। बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया है, भगवान आया है। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने ही सिखाया था, नाम बदलकर कृष्ण रख दिया है। सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही प्राचीन योग है। तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप, मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हो। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ न सके, कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितनी गलत फहमी है, बाबा कहे कृष्ण के लिए कितनी गलत फहमी है, कहां उस सतयुग का प्रिंस और कहां उसको लेके गए द्वापर युग में। बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। मैं आता ही तब हूं जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। तुम जानते हो, हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये सिमरण करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये सिमरण करो तो भी रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, फिर तुम ये भूल क्यों जाते हो? बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा, समझ जाते हैं हम वारिस हैं, तो निरंतर दादे को याद करो, वर्षा देने वाले बाबा को याद करो। बाबा मत देते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इसने तुमको आदि मध्य अंत बहुत दुख दिया है। यह मृत्यु लोक वैशालय राम शिवालय बनाते हैं, जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य होता है। परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब लिया, यह तुम अब जान गए हो। तुम समझते हो गॉड गॉडेस कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। किस एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज फैल जाए। गरीब की तो कोई बात नहीं सुनते, तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं। स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, माया के वार से बचने के लिए जिन बन अलफ और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है।
अति इंद्रिय सुख में रहना है। दूसरी पॉइंट, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है, बाप से सच्चा लव रखना है, कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजय रत्न भव। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजय रत्न भव। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है, निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है, और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है, जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रत्न बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप है, देवताएं प्रालब्ध भोग रहे हैं, वहां ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहां कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहां से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे, अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, इससे हम भविष्य प्रालब्ध सत्युगी देवता बनते हैं। अगर वहां हमको यह मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे, तो यह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती है। तो वहां गिरने की नॉलेज नहीं है, ये ख्यालात वहां नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रालब्ध भोग फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह सतयुग में नहीं रहती है। अच्छा, ओम शांति।